हेलो दोस्तों, टेस्टबुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक मिसाइल दिख रही होगी। ये मिसाइल हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रह चुकी है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर है, उस वॉर में ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन ने इस मिसाइल का उपयोग किया है। और हाल ही में यूएसए ने पहली बार ये माना है कि उन्होंने ये मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई कर दी, जिससे यूक्रेन ने इस मिसाइल को वॉर में उपयोग किया। तो आइए आज के सेशन में ये जान के लेते हैं कि ये मिसाइल क्या है, यूएसए ने ये मिसाइल यूक्रेन को क्यों दी, इस मिसाइल का यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, रशिया का इस मिसाइल से कैसे नुकसान होगा और इस मिसाइल के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है AGM-88 हाम मिसाइल। हाल ही में जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है मिस्टर कॉलिन कार्ल, इन्होंने ये कंफर्म किया कि वॉशिंगटन ने कुछ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यूक्रेन को सप्लाई की है। इसके पहले रशिया में ट्विटर पे और टेलीग्राम पे कुछ न्यूज वायरल हो गई थी। वो ये थी कि इस मिसाइल के कुछ अवशेष यूक्रेन वॉर जोन में पाए गए हैं और ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये मिसाइल तो यूएस मेड है, तो यूक्रेन के पास कैसे आ गई। पर इस पर्टिकुलर न्यूज को रेटिफाई किया इनके स्टेटमेंट ने ये कह दिया कि जी हाँ, वॉशिंगटन ने ही ये मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई की है। तो दोस्तों, आइए जान के लेते हैं कि ये AGM-88 हाम मिसाइल है क्या। दोस्तों, ये जो शब्द है हाम, इसका मतलब होता है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है, ठीक है। और ये मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये मिसाइल प्राइमरीली एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल की लेंथ 14 मीटर है और इसका डायमीटर 10 इंचेस है। इस मिसाइल का अप्रोक्सीमेट वेट इज क्लोज टू 360 kgs और इसकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, इस मिसाइल का रशिया यूक्रेन वॉर में क्या इम्पैक्ट होगा या क्या इस्तेमाल होगा। दोस्तों, हम सबको पता है अबाउट द S-400 एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ रशिया। ये S-400 सिस्टम यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसके वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा था। तो इसके लिए यूएसए ने यूक्रेन को ये मिसाइल सप्लाई की। ये मिसाइल जो है, ऐसा कहा जाता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ये एक जवाब है। इसके अलावा अब और एक सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो एक यूएस मेड मिसाइल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से फायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन के पास जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट्स है, वो मेजरली रशियन ओरिजिन के हैं, रशियन बनावटी के हैं। तो इसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक यूएस बेस्ड मिसाइल को एक रशियन बेस्ड एयरक्राफ्ट में फिट किया जा सकता है। पर ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आए थे जिन्होंने ये कहा कि कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इस मिसाइल को यूक्रेन के रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट में बिठाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी न्यूज अबाउट द मिसाइल, अबाउट द AGM-88 हाम मिसाइल। ये मिसाइल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक का जो पार्ट है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, वहाँ पे ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। S-400 के ऊपर पहले ही सवाल आ चुका है, थार के ऊपर पहले सवाल आ चुका है, तो अब ऐसा हो सकता है कि इस AGM-88 हाम मिसाइल के ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही था। जाने से पहले मैं आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। तो टेस्ट बुक 13 अगस्त को शाम को 6 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कर रहा है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट UPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर ही होगी, मतलब दो पेपर होंगे, एक GS का पेपर होगा और एक CSAT का पेपर होगा। जो लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम को टॉप करेंगे उनको 100% सब्सक्रिप्शन के ऊपर वेवर मिलेगा, मतलब उन्हें एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑफर्स इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट में अवेलेबल हैं।
पर सबसे जरूरी बात यह है कि जो कोई ये स्कॉलरशिप टेस्ट देगा उसे ये पता चलेगा कि वो उसकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुकी है और उसे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा और 13 अगस्त शाम को 6 बजे ये टेस्ट दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ कीप वॉचिंग आर चैनल। थैंक यू।